भाई वो बहुत चैलेंजिंग था। उसके पीछे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट होता है कि आदमी उसमें पतला नहीं हो पाता है, तो वो अभी भी चल रही है लेकिन बहुत मिनिमम डोज है। फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट बहुत किया। अच्छा मैं ना क्या कहते हैं जो फीमेल मॉडल्स होती है ना, मॉडल थी हमारी, तो उसके साथ वो थोड़ा सा ये सामने थे तो थोड़ा सा वो कतरा रहा था। ओजी ओजी के सामने कैसे वैसी भी होती है तो पीछे आ जाएगा, ए कर ले कर ले कर ले कर ले। हाँ तो भाई जनता का स्वागत है हमारे नए एपिसोड रियल टॉक विद रियल हिट में। और आज सेट कुछ बदला बदला लग रहा है क्योंकि हमारे लिए सबसे स्पेशल एपिसोड है। इतने मैसिव गेस्ट हमने कभी सोचा नहीं था होंगे हमारे साथ, एंड हम चाहेंगे कि आप भी अपने घरों से तालियां बजाओ इनके लिए, हनी पाजी और मिलिंद पाजी के लिए। थैंक यू सो मच पाजी, दोनों पाजियों का, कि यहाँ पर आप हमारे बीच हो। और रियल टॉक का एक रूल रहता है कि आर्टिस्ट की रियल साइड फैंस तक आनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने में कामयाब हो, बाकी आपका काम है जितनी इन्फॉर्मेशन बचा सको बचा लो। तो क्या हाल है हनी पाजी, आपके क्या चल रहा है? मजे में बहुत बढ़िया सब। अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, आपसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो हम लोग कॉमेडी स्केचेस बनाते हैं और रिसेंटली हमने ना ऐसा सोचा कि काम ऐसा करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म चल पाए 50 साल की उम्र तक, तो हमने कहा बैठ के बातें करने का काम बढ़िया है। सुनते ही हैं लोग, तो ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा। वैसे ये काम हिंदुस्तान में सारे करते हैं। हाँ तो हमने सोचा इससे पैसे कमा ले थोड़े। बाकी आप जैसे गेस्ट आ जाते तो हमारी थोड़ी दुकान चल जाएगी। तो पाजी आज आप लोग गाने की फुल ऑन मार्केटिंग कर रहे हो, मिलिंद भाई को तो हमने देखा कितना थक गए थे कि यार एक और आर्टिस्ट रह गया। और तो भाई मेरे को ये पूछना है कि आपके टाइम पे मार्केटिंग बहुत अलग थी जब आपने स्टार्ट करा था, और आज रील्स के थ्रू और इनके थ्रू मार्केटिंग हो रही है, तो वो कितना कैसा प्रोसेस रहता है, आप लोग कैसा फील करते हो और कितना ज़रूरी है वो फील? तो एक्साइटमेंट तो वही है भाई, मेरे को आज भी याद है खड़के गलासी मैंने फर्स्ट म्यूज़िक किया था और इंग्लिश में रैप किया था अशोक मस्ती पाजी के साथ। तो हमारे सिटी पाजी भी तब हमारे साथ ही होते थे, ये खड़े हैं। तो हम सीडी की फैक्ट्री में भी वहीं गए थे, खुद गए थे, सीडी कैसे बन रही है, सीडी का कवर कैसे बन रहा है, वो एक्साइटमेंट तो वही है। लेकिन अब दौर बदल गया है, अब ये इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब इसका दौर आ गया है। तो पहले तो यही होता था, टेलीविज़न पर गाना चल जाता वही बहुत बड़ी बात है। तो वो पहला गाना था जो मेरा टेलीविज़न, दूसरा गाना था जो टेलीविज़न पर चल रहा था और बढ़िया हिट हुआ था। एक्साइटमेंट वही है, आज इस गाने की भी वही एक्साइटमेंट है। हेक्टिक ज्यादा हो गया होगा अभी क्योंकि रील्स वगैरह है? नहीं हेक्टिक नहीं है, मजेदार है ये भी। अच्छा। मजेदार है, इसको तो एंजॉय करना चाहिए। मिलिंद भाई कभी थोड़ा तो गुस्सा आ जाता होगा कि यार मुझे ये रील नहीं करनी यार, मैं परेशान हो गया, मैं सेम स्टेप पे नहीं नाच रहा। और भाई पता है इसमें ना रिस्क भी है कि एक ही लाइन देख देख के ना फिर लोग भी स्किप करने लगते हैं कि यार कितना सुने तो कितना। मुझे ना चिढ़ तब मचती है जब वो कहता है कि पाजी ये लड़की है, हम इसके पीछे जा रहे हैं और हम गाना गा रहे हैं। तो दूसरा आता है पाजी वहाँ से ना लड़की आएगी, हम इसको देखेंगे फिर गाना गाएंगे। फिर तीसरा आता है पाजी यहाँ से ना लड़की पास कर रही है, आपने मुझे ऐसे कैसे करना है, और कहना लड़की ओ गाना गाना घूम फिर के वही सारा कंसेप्ट। तो मतलब आप चाह रहे हो कि ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ना बने, डांस कर लूं मैं? हाँ डांस हो जाना। एक अभी वो आया था वो उसका टेम्पो ही अलग था, कह रहा है पैर से का ट्रिप लेगी, ट्रिप तू फ्लिप लेगी, मोटे मोटे से लेगी, क्या लेगी बोले बोले क्या बोलूं, वो काली लेगी तेरी बहन। मैं कहा भैया आप टेम्पो पे नहीं हो, कह रहा वो बजेगा तो आऊंगा ना मैं। कह रहा आप अपना करो मैं देखता हूँ। अच्छा आपको कह रहे हैं आप अपना कर। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस है अलग अलग लोगों से मिलना, और मतलब ये मैंडेटरी ऐप को ऐसा नहीं लगता यार मेरा काम गाना बनाना है? उसका ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रहा। सच्ची भाई वो मतलब फिर ये होता है कि यार ये चल करना पड़ेगा, अब तो फंस गए। तो भाई आपका ये जो कोलैब है ये मतलब प्लान कैसे हुआ और पहली बार आप कैसे मिले थे, मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड? आपके लिए तो बहुत बिग डील होगी भाई। तो यार मैं तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 decades नाउ, मैं उस्ताद जी आते थे 2003-04 में स्टूडियो, और आई थिंक ग्लासी का मास्टर भी स्टूडियो में सुना था।
तो वहाँ पे एक बंदा सा आता था, बैगी वैगी पहनी होती थी, रेड जर्सी पहनी होती थी, मतलब खुली डुल्ली स्पाइकी हेयर. मैंने कहा यार, मैं कहा ये चटक है, ये मुझे बनना है, ऐसा ऐसा ये डायरेक्शन है. एंड उस टाइम पे हम जो म्यूज़िक करते थे, पापा म्यूज़िक करते थे, वो बहुत एकूस्टिक था, एकूस्टिक बेस था, देसी था. जैसे अब ये गाना है वैसे हम पहले म्यूज़िक करते थे. और जो ये बनाते थे, मैं इसके पापा के बारे में बात रुकना चाहूँगा एक मिनट. इसके पापा मेरे हिसाब से हमारे नॉर्थ इंडिया के सबसे फाइनेस्ट स्ट्रिंग कंपोज़र हैं, और स्ट्रिंग अरेंजमेंट उनसे बेहतर ना कोई कर सकता, ना कोई कर पाएगा. और उनकी इंसानियत मैं उस वक्त पे बताता हूँ. मेरी उम्र सिर्फ 20-21 साल की थी उस वक्त. तो मैंने खड़के ग्लासी किया, खड़के ग्लासी के बाद मुझे काम नहीं मिल रहा था. तो मुझे किसी ने बोला पंजाब में काम करेगा तो तेरी दुकान चल पड़ेगी. लेकिन पंजाब में सब एकॉस्टिक म्यूज़िक चलता रहा, ढोल बजता रहा. अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ कि मैं ढोलक वाले बुला के प्रोग्रामिंग करवाऊँ. तो मुझे गुरुदीप पाजी ने बोला कि भी एक आदमी है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो हर बंदे की हेल्प करता है, जीतू भैया के पास चलते हैं. मैं गया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बेटा क्या करते हो, क्या चाहिए, वो बोलते कैसे, मैं सर देख लो कुछ हेल्प हो जाए तो. डीवीडी राइट कर इसके लिए 4 GB की डीवीडी राइट करके दी मुझे. 4 GB मतलब वो लाखों रुपए का सामान था जो मुझे मुफ्त में दे दिया, जो उन्होंने कई साल लगा के एक एक म्यूजिशियन को बुला के रिकॉर्ड करवाया, वो मुझे फ्री में दे दिया. और फिर वहाँ पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, ऐसे कर रहा था सम पे कर रहा था. ये कैसे एक्सप्रेशन, ऐसे कर रहा खड़के ग्लासी पे, टेंग डेंग डेंग ठीक है रे नित खड़के खड़के ग्लासी. सही सही. तो मैं तब से मतलब मुझे ऐसा लगा. और मैंने इनका फिर काम सुना, वो जो 25 वाली वो नहीं आती थी मोजर बियर वाली, 25 का सेट आता था. तो ये 3-4 सेट लाते थे और हर गाना सुनते थे. और ये सब तो कुछ गाने वैसे भी होते थे जो इंग्लिश रैप होते थे और ये सब होते थे. तो बहुत अच्छा यार बॉलीवुड रीबोर्ट आई थिंक मैंने वहाँ पे सुनी थी बिफोर रिलीज. मेरे लिए बहुत वो था यार, मेरे लिए तो एक ब्रेन स्टॉर्म था, माइंड ओपनिंग था कि यार अच्छा ऐसा भी बनता है और ऐसा भी दिल्ली में बनता है म्यूज़िक. तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं रेवोल्यूशन म्यूजिक में रेवोल्यूशन लाने वाला बंदा ये है, तो ऑब्वियसली वो आई स्टैंड बाय दिस दैट पॉइंट. तब और इसको आज 2022 है, मैं बात करूँ 2003 और 4 की, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 decades इनको जानते हुए. फिर ग्लासी आया, फिर पंगा आया, फिर ये बिजी हो गए, फिर हमारी बातचीत होना बंद हो गई. और मैं तब भी वैसे ही बातचीत नहीं करता था वैसे, मतलब द लास्ट टाइम ही गिफ्टेड मी वॉज अ चॉकलेट बैक इन 2003. हाँ तो क्या कहते हैं, इतने ओल्ड लिए लगते नहीं जितना आप दिखवा रहे हो. तो बार बार ये मेंशन तो आई स्टार्टेड अर्ली बेबी, हां स्टार्टेड अर्ली. तो फिर हमारी बात बंद होना चालू हो गई. फिर ना मैंने इनको, अब फिर क्या होता है कि यार ये तो मेरे पास बैठा रहता था बंदा, ये ना मैं यहाँ पे आता था, देखो पता नहीं है मेरे पापा का दोस्त है ना, ऐसा कुछ ऐसा कुछ करके. बच्चे होते थे, मेरे पापा के फ़ोन से ना इनका नंबर चोरी किया, और बड़ी हिम्मत करके ना मैंने दिवाली पे कॉल की इनको, बड़ी हिम्मत करके. मतलब ऐसा होता कि अभी भी ऐसा ही है कि देयर थिन लेवल ऑफ थिन वॉल ऑफ रिस्पेक्ट, जो मैं कभी चाह कर भी पार नहीं कर सकता और ना कभी करना चाहता. तो ये कौन सा साल था जब आपने, 2006-07 था, ग्लासी आ चुका था, ग्लासी आ चुका था, एंड ही वॉज अ मैसिव नेम नाउ. तो मैंने पापा के फ़ोन से ना इनका नंबर चोरी किया. मैंने कहा मैं कॉल करके पूछूंगा, मैं कॉल करके हैप्पी दिवाली बोलूँगा. तो रात को 10-10:30 बजे मैंने कॉल किया, तो कह रहे हेलो. हेलो, मैं ही हवा थोड़ी सी किसी होगी. मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, मैंने कहा आगे की स्क्रिप्ट क्या है. मैं कहा हनी भैया. हाँ जी. मैं कहा मैं मिलिंद बोल रहा हूँ. हाँ छोटे भाई. मैं कहा हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली भाई, इतनी बात. और इतनी बात करने के लिए मैंने 10 बारी प्रैक्टिस की होगी कि अच्छा ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है. तो वो तब से इन्फ्लुएंस तब से है. एंड नाउ बूम, हमने मार्च में पार्टी की थी इनके बर्थडे की. उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया. फिर अप्रैल में जाके एक, मैं रात को सोने ही वाला था, 1 बजे इनका मैसेज आया कि यो. मैं कहा यस सर. तो कह रहे कि यू अप. मैं कहा यस, बताओ ना. तो कह रहे कि वॉज थिंकिंग ऑफ आर कोलैब. आगे से इन्होंने कहा. फिर नींद उड़ गई, 2-3 बजे जितने बजे फिर नींद उड़ गई. मैं बताता हूँ. पहले तो अपने आप पे प्राउड हुआ कि यू नो गाबा यू आर डूइंग गुड, दैट इज़ वाई. नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम, मतलब यू नो दैट इज़ वाई समबडी लाइक हिम, और मतलब समबडी मेरे तो भाई
मेरे लिए तुम्हारे लिए गाना होगा, इनके लिए गाना होगा, मेरे लिए तो मेरा सपना है, इसके लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और इनके साथ जिससे तुम पूरी ज़िंदगी पूरे अपने म्यूज़िक करियर में इन्फ्लुएंस दो, वो आके तुम्हें कह रहा है बट यू नो दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग गुड, तुम्हारे में कुछ तो बात है, तभी तुम्हारी बात हो रही है। अभी इनका वो है कि कोलैब करना है और ये सब, तो मैंने कहा ऑन इट बताओ ना, तो कह रहा है तू भेज फिर अपने म्यूज़िक बैंक में तेरा जितना भी है ताम झाम तूने बनाया हुआ। मैं कहा ठीक है, मैंने फ़ोन रखा, वार्डरोब खोला, एक क्वार्टर पड़ा था ये सही किया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कॉन्फिडेंस पिया, 2-3 पी, और कुछ शांत कमरा है, शांत कमरा, नाचे जा रहा हूँ बिना म्यूजिक के वाइब में, मतलब मुझे वो होता है ना कि यार तुम्हें पता होता है कि ये चीज़ हो जाएगी या होनी चाहिए या मुझे पक्का बताइए हो जाएगी, बट जब होती है ना तो वो ऐसा बूम देती है ना, जैसे एक प्री वर्कआउट नहीं देता शरीर में, वो ऐसा देती है, और आई वॉज फकिंग डांसिंग, आई वॉज डांसिंग विद माई रोलिंग ऑन द फ्लोर, ऐसे ऐसे समझ ले। फिर मैंने इनको गाने भेजने चालू करे, एक भेजा, दो भेजा, तीन भेजे, चार भेजे, आई थिंक कम से कम 15-20 गाने मैंने भेजे, 15-20 मतलब कि 3 एल्बम्स होती है 15-20, तो कुछ गाने शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, कुछ गाने अप्रूव हो रहे थे, कुछ गानों में अमेंडमेंट्स थी, कुछ गाने नए बना रहा था, कुछ गाने लिरिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, अब वो सब सारी बात चल रही है। कट टू आया, और हम मतलब हमें ये था कि यार हमें कुछ ना कंक्रीट नहीं मिल रहा था कि जिससे यू नो दिस इज़ द मैंगर। सितंबर में मैं जा रहा था जयपुर, तो मेरा एक दोस्त है शैबी, उसके साथ में जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ये लाइन आई, वो इंस्पिरेशन पता है उनको, पता है कहाँ से आई है, तो मेरे दिमाग में ये लाइन आई, एंड मैंने जयपुर में गाना लिखा, बैक इन स्टूडियो यहाँ पे आके गाना बनाया और उनको भेजा, इन्होंने रीड ही नहीं किया मैसेज, कट साइलेंस, रीड ही नहीं किया, मैं बिजी हुआ हुआ था किसी चीज़, हाँ मतलब मुझे ये था कि इन्होंने रीड ही नहीं किया, तो अब वहाँ पे ऐसा हो गया कि सपने टूट गए नहीं मतलब वो कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया, और वो भाई बहुत मुश्किल टाइम होता है जब सिंगल टिक लगता है, आर्टिस्ट के पीछे पड़ने वाली बात ना हो जाए कि कॉल करके बोलूं भाई मैसेज भेजा है, ऑकवर्डनेस रहती है। नहीं मैंने ये किया ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 दिन बाद इनका फोन आया कि पार्टी करेगा, तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी बताओ, कह रहा आ जा फिर हॉस्काज आ जा, तो हम साउथ एक्स से बैठे हॉस्काज जा रहे थे, और फिर मैंने क्या कहते हैं मैं प्री बूज करके आया था थोड़ी सी क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए थी बोलने की पंप भी तो चाहिए ये चीज़ ना, इनफैक्ट आज हम भी करने वाले थे, हमें चाहिए था वो पंप लेकिन हम नर्वस हो गए, तो फिर हमने सोचा कि यार इंप्रेशन खराब ना हो जाए हनी पाजी का, नहीं मैंने छोड़ रखी है वैसे मैंने बिल्कुल छोड़ दिया दारू, अब मेरी जिम्मेदारी है कोई बात। तो अपना मैंने कहा कि उस्ताद जी मैंने आपको गाना भेजा था, आपने चेक नहीं किया, चल झूठे कौन सा गाना भेजा, मैंने कहा आप चेक तो करो, और कसम से हम 5-6 घंटे 6-7 घंटे सड़कों पर घूमे हैं दिल्ली की, सिर्फ वही गाना बजा गाड़ी में, सिर्फ वही गाना बजा, उसका गाने का नाम था क्या लेगी, एंड तब मुझे पता चला कि यू नो बूम वी हैव गॉट अ बैंगर नाउ, वी हैव गॉट समथिंग कंक्रीट, दैट इज़ द स्टोरी। तो पाजी जैसे ये बता रहे थे कि ये नाचे बहुत खुश थे, एक मोमेंट आपने इन्हें दिया, आपका कभी लाइफ में वो मोमेंट आया कि? हाँ बहुत बारी मुझे, कब एक बार बताओ, मुझे बहुत सारा, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कई चीज़ें, मैं सोचता बहुत हूँ कि मुझे अब ये करना है, अब ये कर दूंगा मैं, अब ये कर दूंगा, अब इस आदमी के साथ काम करूंगा, अब उसके साथ बैठाऊंगा कल परसों, सब सोचता हूँ मैं, बचपन से सपने देखते आ रहा हूँ और वो पूरे होते आते हैं, थोड़ा वक्त लगता है और उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब मेरे साथ भी ऐसा एक सबसे स्पेशल मोमेंट जो लाइफ का हुआ वो ये हुआ कि मैं दुबई एयरपोर्ट पर था, तो मेरे साथ पूरा लाव लश्कर घूमता है, तो पूरा लाव लश्कर था साथ में एमिरेट्स लाउंज के अंदर, तो मैंने देखा एक सिंपल सा आदमी, दुनिया का सबसे सिंपल आदमी, एक टैची पकड़ के चला हुआ आ रहा है। मैं वॉशरूम से निकला, मैंने उस आदमी को देखा, मैं घबराने लग गया एकदम, मैं घबराता नहीं किसी को देख के, मैंने उनके पैर छुए, मैंने ऐसे मिला, मैंने फ़ोटो कराने की हिम्मत ही नहीं हुई, ए आर रहमान सर थे वो, तो चले गए जी, वो भी चले गए। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे, तो मेरे साथ पीछे कुछ लोग फ़ैन फ़ोटो कराने आ गए होंगे, तो जो बंदा मेरे से पहली बार मिला ना उनके साथ, तो सर ने उसको बुलाया, कहते हुई जी, मैंने सर आपसे मिलने तो आए थे, हनी सिंह है, ओ ही इज़ हनी सिंह, कॉल हिम हियर, मेरे पास बुलाया, कहते हैं यू आर हनी सिंह, यस सर, मैंने कहा सर हैव यू एवर हर्ड ऑफ माय म्यूजिक, या आई लाइक योर सॉन्ग सैटन,
मैंने कहा सुपर फ्लॉप गाना मेरी जिंदगी का, मेरी करियर का सुपर फ्लॉप गाना, सर ने सुना हुआ है, आई लाइक द वीडियो ऑल्सो। मैं कहा भाई पैसे पूरे हो गए, फ्लॉप हो गया था वो गाना। फिर मैंने सर से फोटो कराई, वो फोटो भी पता नहीं कहाँ रह गई। उसके बाद अब मेरे को इतने मेरे नसीब जा गए हैं कि सर से मेरी बात होती है। और आपने वो एक बहुत फेमस जेस्चर भी करा उनके लिए। हाँ मतलब मैं भाई स्टेज पे खड़ा हूँ, वो प्लान्ड था या इम्प्रॉम्प्टू था? नहीं नहीं मेरे को पता ही नहीं था सामने कौन बैठा हुआ। हाँ। तो मैंने मेरे ऐसे परफॉर्मेंस शुरू हुई, मैं कहा ये तो रिवान सर बैठे। हाँ। तो मेरी तो टांग ही नहीं वहाँ खड़ी हो रही थी। हाँ। मैं तो जाके मत्था टेका उनको, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान में ना कभी ऐसी शख्सियत पैदा हुई है ना कोई हो सकती है। उनसे बड़ा म्यूजिशियंस इस दुनिया में ना कोई होगा ना कोई हुआ है, हो ही नहीं सकता। उनसे ऊपर हो ही नहीं सकता, कोई कोई बन ही नहीं सकता। वो समुंदर है, दुनिया खत्म हो जाती है और आगे समुंदर ही समुंदर है वो। फाजी ये आप कह रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। वीरेंद्र भाई एक बात बताओ, आपने पाजी के साथ कोलैब किया, आपने मिक्का पाजी के साथ कोलैब किया, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसके साथ ज्यादा मजा आया सेट पे, वो मस्ती मस्ती किसके साथ होती, मतलब एक भाईचारा हो जाता था। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे तो आप एक सर्टन लेवल तक रिस्ट्रिक्शन रही होगी कि यार ये मेरे गुरु हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट रहती है ना। और वो एक होता है दोस्ती वाला कि ये तो मेरा बिड़ू बिड़ू अपना बच्चा है। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा किस्सा सेट पे हुआ बहुत तगड़ा जो यहाँ बताने लायक हो कुछ? एक पता क्या है, मीका सर और पूरी इंडस्ट्री को मेरा प्यार पता है, इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट पता है कि क्या फील करता हूँ। और वो कहते हैं कि हाँ भाई उस्ताद जी का गाना है तुम्हारे, वो तो मार के ये है वो है, तो ऐसे कहते रहते हैं। उनको पता है कि यू नो ही इज बिहाइंड हिम। तो सेट पे मैंने कहा था ना कि मस्तियाँ मस्तियाँ होती हैं और ऐसा थिन वॉल तो है ही, बट यस वो मजाक चलता रहता है। जैसे उन्होंने बोला कि ये तू पानी पिएगा, जाओ तैयारी करके आओ अपनी, होमवर्क करके आओ अपना, तो ये सब चलता रहता है। अभी कोई एक तगड़ा किस्सा, कोई मसालेदार बढ़िया एकदम फुल एकदम रैपचिक ये अच्छा, मैं ना क्या कहते हैं जो फीमेल मॉडल्स होती है ना, मॉडल थी हमारी, तो उसके साथ वो थोड़ा सा ये सामने थे तो थोड़ा सा वो कतरा रहा था। ओजी ओजी के सामने कैसे वैसी भी होती है तो पीछे आ जाएगा, ए कर ले कर ले कर ले कर ले। तो आपने नहीं कहा पाजी घर जाना है, मेरी नई नई शादी हुई है। तब शादी होनी थी, तब शादी होनी थी, तब तो और दिक्कत है, तब तो और दिक्कत है। एक बारी हम स्टूडियो में बैठे हुए तो यही इसके लिए बैठे थे, पेरिस के ट्रिप के लिए बैठे थे, रैप रूक करने के लिए बैठे थे। तो रैप रूप लिख दिया हमने, बड़ा अमेजिंग, डब नहीं किया था बट लिख तो दिया था हमने। तो अब क्या कहते हैं, अब ऐसे चिल कर रहे, गाने गुने सुनाए जा रहे, दिस नड़े हुए, सुबह 5 बज गए, कह रहे चल मिला जिसको मर्जी, फ़ोन मिला। तो ऐसे ही एम ही, मैं कहा है मिला कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने पहले पीयू को फ़ोन मिलाया, वो सो रही थी, तो कह रहे इसने मुझे डेट नहीं बताई शादी की, तुमने बताई है, मैं तुम्हारी शादी भी आऊँगा, इसकी शादी भी नहीं आऊँगा। वहाँ से बात खत्म हुई। फिर मैंने हर्षू को फोन मिलाया तो हर्षू कहते ओए ओए ये क्या, ऐसा वो हैंग हो गया हर्षू। तो वहाँ पे बात की, अरे ही इज, मैं इनसे इतने सालों बाद मिलने के बाद एक चीज़ फिर पता चली कि एज डजंट मैटर, यू नो द नॉटीनेस क्रेजीनेस पावर एनर्जी वो डबल हो चुकी है। यू कांट इवन इमेजिन कि कौन कौन से गाने में, मैंने तो सुने हुए। अरे तूने एल्बम नहीं सुनी भाई? ये एल्बम नहीं सुनी बट मैंने जितने भी गाने बन चुके हैं ना वो सुनाते रहते हैं, वो सुने हुए हैं, जाम फाड़ गाने, यू कांट इवन इमेजिन क्या आने वाला है, बहुत फ्यूचरिस्टिक आने वाला है। पाजी जैसे हम आपके बारे में सुन रहे हैं, आप बहुत ही इम्प्रोव इंसान हो कि तुरंत इंस्टेंट प्लान बनाने वाले, इंस्टेंट सीन बनाने वाले, तो अपना कोई दिल्ली नोएडा का कोई किस्सा बताओ कि कुछ सोचा हो कुछ हो गया हो, बुरा अच्छा वो बाद की बात है। कभी ऐसा हुआ है आप गाड़ी वाड़ी में चल रहे हो नोएडा, क्योंकि हम भी नोएडा के उधर क्या रहते हैं निकलते हैं ना, तो ठुल्ले कह रहा हूँ, पुलिस वगैरह पकड़ लेती है, कभी ऐसा कुछ रहा है किस्सा कुछ पुलिस ने, या फिर बंदा कोई पीछे पड़ गया, मतलब काइंड ऑफ फैन पड़ गया हो कि भाई कि हनी भाई बैठे गाड़ी नहीं, तो वो तो पूरी सिक्योरिटी सेट रहती है। अच्छा। कोई इतना ध्यान देता नहीं। और जहाँ तक पुलिस वालों का सवाल है, दिल्ली के हरियाणा के पुलिस वाले बहुत मिलते हैं, रोकते हैं, बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं, घर परिवार का पूछते हैं, मैं उनके घर परिवार का पूछता हूँ। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और हमारी यूपी पुलिस, नॉर्थ इंडिया की जो पुलिस है उनका प्यार ही अलग है। वो अगर देख ले अंदर आर्टिस्ट बैठा है, चाहे कोई भी जैनी मैं हूँ, कोई भी आर्टिस्ट बैठा है, वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी वाइब ही अलग है, बहुत प्यार। लोगों को लगता है कि पुलिस तंग करती है, वो अपना काम करती है यार, धूप में आप
यहाँ कैमरे इस लाइट के सामने आप दो घंटे नहीं खड़े हो सकते, वो बेचारे पूरी सड़क पे पूरे दिन खड़े होते हैं, तो वो उनका वो तरीका होता है बोलने का। लेकिन जब वो कहीं आर्टिस्ट को देख लें तो वो ऐसे हो जाते हैं। अब एक बारी की बात है, हमने हरियाणा से ही जा रहे थे और एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट थी और हमने बत्ती क्रॉस कर दी, तो पुलिस वाले ने रोका, हमने मैंने ऐसे हाथ जोड़े नीचे रखे, अरे पाजी क्या हो गया, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं भाई फ्लाइट है जाना है। तो जाओ, किसने रोका आपको? मैं क्या लगा भाई आपने गाड़ी रोकी है, वो तो बत्ती जंप करी थी, तो कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ, फ्लाइट पकड़ो अपनी, फ्लाइट पकड़ो। तो पुलिस वाले तो बहुत प्यार करते हैं भाई सारे। और पाजी कोई इम्प्रोव सीन की सोचा कुछ, कि जैसे भाई बता रहे थे कि कॉल लगा ऐसे कोई कि चलो गाड़ी लेके घूमने चल रहे हैं? और ऐसा कुछ तो मैं करता ही रहता हूँ, मैं दिल्ली की सड़कों पे ही रहता हूँ ज़्यादा वक्त, और मेरा जो भी गानों में निकलता है, चाहे वो म्यूज़िकल थाट हो चाहे वो लिरिकल थाट हो, सब दिल्ली की सड़कों से आता है। मैं करमपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं हफ्ते में 15 दिन में कम से कम, पहले ज़्यादा जाता रहा, अब कम जा पा रहा हूँ, लेकिन 15 दिन में कम से कम 2 बार ही मैं अपने एरिया में जाता हूँ, स्ट्रीट फूड खाता हूँ। फ़िश मना कर दी है मेरे को आजकल खाने को, तंदूरी चिकन खाने जाता हूँ, मटन खाने जाता हूँ गुरु राखा का। तो वो लाइफ के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ और घूमता रहता हूँ दिल्ली की सड़कों में। उस खुशबू के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं और किसी शहर में वर्ल्ड में कहीं नहीं रह सकता। मैं दुबई शिफ्ट हुआ था 2013 में, जी मेरा बहुत लगता है उधर, दुबई भी बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा शहर है, दिल्ली ऐसा ही है, अर्बन दिल्ली है, लेकिन दिल्ली को छोड़ के मैं कहीं रह ही नहीं सकता। बॉम्बे लोग बोलते हैं रहो आके, रुको, मैं रह ही नहीं पाता हूँ यहाँ, मेरा दिमाग ही नहीं चलता। मैं सब कुछ कर लूँगा यहाँ, लोगों से मिल लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, पार्टी कर लूँगा, डील्स कर लूँगा, लेकिन जो गाना लिखा जाता है वो दिल्ली की सड़कों पर लिखा जाता है। दुबई से एक बात याद आ रही है, अभी हम दुबई गए थे पिछले 2 महीने पहले, हम वहाँ पे गए, तो अभी तो हम आपसे मिल रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपसे हम पहले इस तरीके से मिल चुके हैं। हमने वहाँ विला कराया पाम जो मेरा पे, तो जिस बंदे से कराते हैं वो कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे कौन पार्टी करता है? हमने कौन करता है भाई? कहता है उनके सारे दो, उनके दो विला बुक होते हैं, एक फैमिली के लिए एक दोस्तों के लिए। हमने कहा उनका वाला था वो दे मेरे को यार, वो कहाँ पार्टी करते हैं, हमने वही एरिया पार्टी स्पॉट बना, बस यही पार्टी करनी है अब तो। अच्छा पाजी, अगर मैं पूछूं म्यूजिक वीडियो, वीडियो आप दोनों का मेन एक्सपर्टीज है म्यूजिक बनाना, बीट्स उसमें वे में, तो जब आप लिख रहे होते हो गाना तो आप वीडियो भी इमेजिन कर लेते हो कि इसकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए, या वो काम आप डेलीगेट कर देते हो कि वो टीम देखेगी यार लोकेशन? आई थिंक वो रफ सब स्केच सा आ जाता है दिमाग में, गाना बनाते बनाते कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, जैसी कलर स्कीम्स होगी, इंटरनेशनल कुछ करेंगे, कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा रखेंगे, बाकी वो ऑलमोस्ट आई थिंक उस्ताद जी के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ। हाँ, जैसे कि अब पेरिस का ट्रिप इज़ अ फॉर्मूला सॉन्ग, बेसिकली इट्स अ फॉर्मूला सॉन्ग, तो फॉर्मूला सॉन्ग के लिए एक फॉर्मूला वीडियो चाहिए था, अच्छा सा ग्लैमरस सेट हो, ग्लैमरस लोग हो, डांसर्स हों, डांस करें। लेकिन मेरे जो जनरली गाने होते हैं वो विजुअल्स के बिना इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको ब्लू आइज शूट करने से पहले सुनाता तो आप कहते हैं क्या बकवास गाना है, घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब, लेफ्ट लून राइट, ये क्या गा रहा है भाई ये बंदा, ये कोई गाना थोड़ी ना होता है। लेकिन रोटी भिंडी देसी कलाकार में जब तक मैं उसको शूट नहीं करा मैंने, तो मेरे दिमाग में विजुअल्स पहले आते हैं। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो विजुअल्स आते हैं कि मुझे इस तरह शूट करना है। तो उसमें विजुअल में जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में हमारे बेस्ट आर्टिस्ट है मीर गुलाटी, जो अमेजिंग काम करते हैं, मेरे साथ पिछले 15 साल से हैं वो, उन्होंने BTS से शुरू करा मेरे साथ, और फिर लॉकडाउन में हमने वीडियोज़ बनाने शुरू करा। मैं सिर्फ इंटरनेशनली वीडियो शूट करता रहा, इंडिया में मैं करता ही नहीं था, तो मीर ने बोला भाई अब बाहर तो जा नहीं पा रहे हो आप, तो इंडिया में कुछ करते हैं। मैं करते हैं, फिर जब मीर ने सैया जी का शूट किया हमारा इंडिया के अंदर, उसने ये क्वालिटी निकाली और इंडियन एथनिसिटी को इतने तरीके बढ़िया तरीके से दिखाया, तो मैं कहा मीर अब तेरी कोई लिमिट नहीं है, मतलब तू रुक नहीं सकता। अब सलमान भाई के साथ उसने 2 गाने किए हैं फिल्म में, सो इज़ गोइंग गुड। क्या लगी बोल दे का भी, पेरिस के ट्रिप का भी वीडियो उसी ने किया, मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ वही करता है भाई। कभी ऐसा हुआ आपने किसी को कोई काम अपॉइंट किया म्यूजिक वीडियो के लिए, फिर आपको लगता है वो कुछ कर रहा है, आप कहते हैं रुक जा मुझे याद है, पता है मैं बता रहा हूँ ऐसे होगा, मैं कह रहा हूँ ना आई एम द मैन, ऐसे होगा, ऐसे कभी रहता है मतलब कि यार? पहले ऐसे ही काम करता था मैं, पहले गिफ्टी को उठाता था और गिफ्टी को बोलता था भाई तू सिर्फ टेक्निकल पार्ट देखेगा कि एडिट कैसे होना है और ये सुंदर कैसे लगेगा, सारा स्क्रीन पे मैं बताऊंगा उसी हिसाब से होगा। उसमें दिमाग बहुत खर्च होता था, बहुत मेहनत लगती थी, फिर परफॉर्म भी करना है मुझे और मुझे आगे सारा स्क्रीन पे सेट करना है, तो बड़ा टाइम लगता था। दैट्स व्हाई मैं आई पिक्ड अप मीर, कि मीर को मैंने एज ए डायरेक्टर से पहले एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर पिक किया कि भाई अब ये गोरा डायरेक्टर मैंने हायर किया है, ये गाना शूट करेगा, तू इसको समझाएगा कैसे करना है, मैं तो सिर्फ कैमरे पर जाके खड़ा हूँगा। तो मीर ने वहाँ से शुरुआत करी है मेरे साथ, क्रिएटिव डायरेक्टर से, फिर वो फाइनली डायरेक्टर बन गया, सो ही अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट एक्चुअली।
तो उसमें बहुत सरखपाई बहुत होती है, क्योंकि अरे आपके दिमाग में कोई विजुअल आ गया, फिर आपको वही छापना है जैसे मर्जी हो। मुझे तो यही चाहिए, मैंने तो यही लिखा था, यही सोच के सोचा था कि मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा तो मंदी ये बैठेगी। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं इसे पैसा लगेगा, जान दे पैसा जान दे तू, मेरे को ये सीन चाहिए। पाजी वैसे अब आपकी बॉडी बिल्कुल यार भतेरे वाले टाइम पे जो थी वो वाली आपने प्रॉपर कर ली है पहले, क्योंकि जो आपका कमबैक हुआ था तो उस टाइम पे वेट थोड़ा ज्यादा था, तो वो कितना चैलेंजिंग था कि वापस से? भाई वो बहुत चैलेंजिंग था, उसके पीछे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हैं उसका साइड इफेक्ट होता है कि आदमी उसमें पतला नहीं हो पाता है। हाँ। तो वो अभी भी चल रही है लेकिन बहुत मिनिमम डोज है। फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट बहुत किया, फिर मेरा बचपन का ही दोस्त है जिसके साथ मैंने सरकारी जिम में, हम लोग उस वक्त में मैं 96-97 से वर्कआउट कर रहा हूँ, और उस टाइम में जिम को गुंडों का काम समझा था, ये गुंडे में आते हैं, मम्मी पापा जान नहीं देते थे, तो हम लोग सरकारी जिम में जाते रहे, 50 रुपये 3 लोग देते रहे एक महीने का। तो वो तब से मेरा दोस्त है, तो वो ही इज़ इनटू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। फिर उसने मुझे ज्वाइन किया, 1 साल 1.25 साल लगाया हमने, दारू वारू बंद करी, बॉयल्ड चिकन राइस पे आए, फुल ऑन डाइट। अब आपके सामने, अब देखना अगले साल क्या करते हैं। अगली म्यूजिक वीडियो फुल शर्टलेस रहेगी, कपड़े वो सरप्राइज है, बड़े तगड़े तगड़े यार। अरे एक शॉट आना चाहिए वो यार बतेरे में। वीरेंद्र भाई ने भी तो बॉडी बनाई थी अपनी बहुत कैडी। हाँ आपको तो गाना आना चाहिए था यार, आपने निकाला नहीं शर्टलेस। नहीं शर्टलेस नहीं, मेरी हर साल बनती है यार, 6 महीने में। आप दोनों स्ट्रीट फूड के बहुत शौकीन हो ना यार। देख नोएडा शिफ्ट हो गए बट खाना खाने आते वहीं पे हैं। 45 किलोमीटर वेस्ट दिल्ली जैसा फूड कहीं भी नहीं है। पाजी नोएडा में हम भी रहते, मिलते हैं, चिल करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टूडियो आओ मेरे पास जब मर्जी मन हो। एल्बम रिलीज से पहले आपको एल्बम बैठ के सुनाता हूँ। डेफिनेटली पाजी, और पीछे ना बहुत सारे लोग हो गए कि टाइम करो टाइम, तो आई होप आपको मजा आया होगा और थोड़ा रिलैक्सिंग रहा होगा, थोड़ा अलग रहा होगा, ये हमारी कोशिश थी। एंड डेफिनेटली मिलिंद भाई हम थोड़ी सिफारिश लगाएंगे, फिर से आपके साथ फुर्सत से बैठेंगे। हनी पाजी आप भी नोएडा में, मतलब हम लोग मिलिंद भाई के साथ काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, हमने पहले ही वाज द फर्स्ट वन टू सपोर्ट अस, मतलब एक हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ था आपके साथ हुआ था। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आई नो थोड़ा शॉर्ट एपिसोड था पर बड़ा वाला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। हनी 3.0 आ रही है, पेरिस का ट्रिप तो आई गया। Make sure you go and watch the song, share the song, share करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। साथ में और भी गाने आ रहे हैं? और गाने आ रहे हैं क्या हमारे? फिल्मों में करेंगे हम। फिल्मों में? ओ भाई चलो, थैंक यू सो मच गाइज, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हनी पाजी का चैनल, मिलिंद पाजी का इंडिविजुअल चैनल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। टी सीरीज को भी खरीदो करना था। डेफिनेटली करो यार। शॉर्ट रील सब बना दो पेरिस का ट्रिप पे। चलो जी, टिल देन बाय बाय, आई लव यू पेरिस, जनता bye bye, together forever, my new song is coming on 17th August. Together forever 17th ko, it's a love song together forever, to uski reels bhi na dalte hi banani shuru kar dena, comments mein spam bhi kar do, chalo ha chalo chalo uska episode karenge ek together forever ka, pakki baat suno aapne keh diya na karna hai 100%, thank you, chalo milte hain aapse, thank you so much, bahut sara pyar sabko, to mere sath to kai baar hua। सबसे स्पेशल मोमेंट मेरी लाइफ का ये था जो मैं बताना चाहूँगा। हाँ करवा चौथ है ना, कब आओगे? निकाल के कर लो आराम से, कोई नहीं, अंदर ही अंदर लगे पड़े हो, बटन नहीं मिल रहा। बीवी का फोन आ रहा, फोन ही पकड़ रहे हो क्या? पकड़ रहे हो 20 फ्रेम्स में कौन कर रहा है? अंदर ही अंदर काम चल रहा हो। चलो साले साले